तो फाइनली बोया का M1 माइक है जो हमारे पास आ चुका है। अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या रहता है बॉक्स पैकेज में। बहुत छोटा सा है लेकिन इसका डब्बा बहुत बड़ा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यह है हमारा बोया का M1 माइक जो कल ही ऑर्डर किया था हमने। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये दो स्टिकर हैं और ये कुछ मैनुअल पेपर और ये शायद वारंटी कार्ड है। और ये इस ये माइक्रोफोन को रखने के लिए आपका पाउच है जिसमें आप रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये इसको ड्राई रखने के लिए लगा रहता है। ये हो गया माइक जिसका वायर काफ़ी लंबा और वायर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये मिल जाता है जो आपको माइक के ऊपर यहाँ पे लगाना रहता है तो इसको अभी लगा ही देते हैं यहाँ पे। शायद लग गया। और ये है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसमें डाल के बड़े बड़े जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका कनेक्टर है या कन्वर्टर बोल सकते हैं इसको। और ये है कॉलर माइक जिसमें आप कनेक्ट करके और इस माइक को अपने कॉलर में रख सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है। ये हो गया और उसके बाद आप इसको कॉलर में कहीं भी चिपका सकते हैं ऐसे करके और ये वहीं पे चिपका रहेगा। ये एक बैटरी जो यहाँ पे लगेगा इसमें। इस बैटरी का काम तब होगा जब आप इसको कैमरा में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप बैटरी को माइनस प्लस देख के लगाएं, नीचे के साइड प्लस है और ऊपर के साइड माइनस है। तो यहाँ पे आपको बीच में बस इसे ऐसे ढकेल देना अंदर और सेट हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे फिर इसको टाइट कर देना है। अब चलिए आपको इसका अभी मेरा ऑडियो क्वालिटी सुन रहे होंगे कैसा है। अब इसको इससे मैं आपको इसका ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। अब ये जो ऑडियो क्वालिटी है ये माइक का है जो अभी नया परचेज किया है हमने BY M1 का। अभी आप देख सकते हैं ऑडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस आपको लग रहा होगा। अब आगे से आपको मेरा आवाज़ थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि इसी माइक से अब रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इस माइक से मेरा आवाज़ सुनेंगे।